एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगस्त माह में अजमेर की सरकार के लिए मतदान भी होगा और मेयर भी चुना जाएगा, लेकिन इससे पहले पिछले 5 साल का लेखा जोखा क्षेत्र का मतदाता जारी कर रहा है। स्वामी न्यूज की टीम ने परिसीमन के बाद अजमेर शहर में बढ़े 60 वार्ड्स का एक एक कर दौरा किया, तो जो हालात निकल कर आए हैं उससे उस वार्ड के स्थानीय पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ। पेश कर रहे हैं वार्ड नंबर 17 का हाल, जो परिसीमन के बाद अब वार्ड 12 हो गया है। वार्ड नंबर 17 केसरगंज, रावण की बगीची, आशागंज, उसरी गेट, डिग्गी बाजार, रेगर मोहल्ला, लोहार बस्ती, त्रिलोक नगर सहित आसपास का भाग था, जो अब परिसीमन के बाद बदल गया। इस वार्ड में बीजेपी के उम्मीदवार रही भारती श्रीवास्तव ने जीतने के बाद काफी विकास कार्य कराए हैं, ऐसा क्षेत्रवासी बताते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके काम नहीं हुए, उन्होंने पार्षद को नकारा भी बताया। भारतीय श्रीवास्तव राजनीति के साथ अपने सामाजिक सरोकारों को भी साथ साथ पूरा कर रही हैं। क्षेत्र में रहने वाले किसी भी मतदाता के खुशी और गम में शरीक होना नहीं भूलती। इसी के साथ समाज सेवा के कार्यों से जुड़ी होने के चलते क्षेत्रीय नागरिकों की अप्रोच में रहती है। क्षेत्र के अधिकतर मतदाताओं ने अपने वार्ड पार्षद के पक्ष में सकारात्मक पहलुओं से अवगत कराया, वहीं कुछ लोगों ने नकारात्मक वक्तव्य देकर पार्षद को कटघरे में खड़ा किया है। आइए चलते हैं वार्ड नंबर 17 में और देखते हैं 5 साल का रिपोर्ट कार्ड। वार्ड नंबर 17 है, इसमें पार्षद भारती श्रीवास्तव है। उसने आज तक 5 साल में कोई काम नहीं किया है। यहाँ की जनता उससे रुष्ट है। नालियां में कोई सफाई नहीं है, न कोई उन्होंने सड़कें बनवाई है, न पानी की व्यवस्था है। हर एक जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अवैध निर्माण सब इनके राज्य से ही हुए हैं। काम तो अच्छा करा पार्षद ने, लोन उनका भी कराया, सब कराया, लेकिन थोड़ी सफाई की व्यवस्था सही नहीं है। शिकायत तो एक दो बार करी अपने, फायदा नहीं मिला। सर ये वार्ड नंबर 17 है, भाभी जी रहती है यहाँ पे श्रीवास्तव, वो तो अच्छा काम करती है, पर यहाँ पे क्या है, एक समस्या दो चीज की है साहब। एक तो पानी तो बहुत ही आता ही नहीं है, बिल्कुल नल की समस्या एक तो, और दूसरा कोई गैस वगैरह है नहीं यहाँ पे। बच्चे और औरतें बूढ़े सब चूल्हे के अंदर गर्मी के अंदर काम करते हैं। और दूसरी समस्या यहाँ पे एक सरकारी सर शौचालय बना हुआ, उसकी सफाई पर कमी होती है। हमने पार्षद साहब से भी निवेदन कराया, पार्षद साहब से रिक्वेस्ट पल्ला जा रहा है।
16 पड़ता है और अच्छा काम करती है हमारे, सफाई भी करवाती है, लाइटें भी लगवाती है, कोई अपाहिज है उसके पेंसिल बनवाती है, कोई विधवा होती है उसके पेंसिल बनवाती है, गरीबों की सहायता करती है। अभी बीपीएल कार्ड बनवाया था, राशन कार्ड बनवाए और आधार कार्ड बनवा रही हमारे भी, जिसके नहीं है उसके बनवा रही। वार्ड नंबर 16 है, भारतीय जनता पार्टी का वार्ड है, हमारे को कोई शिकायत नहीं है, ये फोन पर काम हो जाता है। कोई भी लाइट का हो, कोई नाले वाले का हो, जो भी काम बोलते हैं करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे को कोई शिकायत नहीं है, अच्छा पार्षद है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हाँ, कोई शिकायत नहीं हमारे। राज था, मेयर कांग्रेस का था, लेकिन मैं बीजेपी की पार्षद होने के बावजूद हमने जिस तरह से आज लड़कर और अपने वार्ड के जो पुराने काम थे, पेंडिंग पड़े थे, काफी जगह पे क्रॉस थे जहां लोगों को निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था, रोड टूटे फूटे पड़े हुए थे, हैंडपंप खराब पड़े हुए थे, कई जगह नल की सुविधा नहीं थी, और जितनी भी हमने जैसे शौचालय बनाए, सामुदायिक भवन बनवाए, इस तरह के मैंने इस वार्ड में काफी काम कराए हैं। सफाई व्यवस्था को भी अपने स्तर पर मैंने जैसे भी करके, जनता ने अगर कहा है कि यहाँ पर काम नहीं है, उस सफाई व्यवस्था को भी टाइम टू टाइम उनका मैंने करवाया है। पेंशनें आज जितनी भी विधवा पेंशनें थी मैंने अपने वार्ड की करीब करीब सारी करवा दी हैं, और जो पालनहार जो महिलाएं गरीब बेचारी होती हैं जिनकी विडो पेंशन आती है, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनकी सुविधा नहीं हो पाती है, तो उनको भी पालनहार का पैसा दिलवाकर उनको भी पढ़ने की सुविधा दिलवाई ताकि उनके बच्चे पढ़ें। महत्वपूर्ण काम मैंने 5 साल में ये माननीय हमारे शिक्षा मंत्री देवनानी जी की तरफ से हरिजन बस्ती के अंदर एक सामुदायिक भवन बनवाया है, और उसी गेट पर जो कि बरसों से एक शौचालय है जो टूटा पड़ा था, जिसकी कोई कभी मरम्मत भी नहीं हुई थी, उसको मैंने अभी निगम से पास करवाकर और वो टेंडर हो गया है, वो बहुत ही जल्द होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण काम था जो कि मेरे एरिया में उसी गेट पर भील बस्ती बनी हुई है, भील बस्ती के लोग जो कि नहाकर उस गड्ढे में से पानी भरकर और फिर बाहर फेंका करते थे, उस काम वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम इसलिए है क्योंकि उस काम को आज तक इतने लोग रहे हैं लेकिन किसी ने नहीं करवा पाया, वो मैंने अभी माननीय देवनानी जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके कोटे से 3.5 लाख का वो भी पास हो चुका है, कल ही उसका टेंडर होने जा रहा है, और वो काम में सबसे महत्वपूर्ण है जो कि नाली बन जाएगी, उस नाली के जरिए उनका गंदा पानी बाहर आएगा, उनको अब नहाकर और वो गड्ढे में से पानी नहीं भरना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण मेरा उस गरीब बस्ती का वो काम है। देखिए, अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं जिस तरह का, क्योंकि जो इंसान बनाने जाता है वो बनाने के बाद जो वो निगम में नक्शे के लिए नक्शा लगाता है, और नक्शे को जब पास नहीं करा जाता है और उनको कह दिया जाता है अधिकारियों द्वारा कि आप लोग बनाइए कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो किस तरह से उनसे सेट होके बनवाते हैं, तो बनाने वाले का कसूर मैं नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी निगम वालों को अगर चाहिए कि जब वो स्टार्टिंग में ही एक ईंट लगाता है, या हम लोग उनसे कहते हैं कि जब नक्शा पास नहीं तो आप लोग मत बनने दो, तब उस समय वो हम लोगों को भी अवॉइड कर देते हैं और उस चीज को पूरा उठवा देते हैं, जब वो पूरा बन जाता है तब उनको नोटिस दिया जाता है और उनके अवैध निर्माण तोड़े जाते हैं, तो ये सरासर गलत है, इस तरह से पब्लिक का भी नुकसान होता है, आखिर उनका भी पैसा मेहनत का लगता है, तो ये चीज जो होती है वो गलत होती है। 5 साल में जो काम कराए वो मैंने अपनी पार्टी के अपने नेताओं के बेस पे कराए हैं, अपनी दम से जिस तरह से खींच के लाना था अधिकारियों ने, जिस तरह से काम हमारा करवा दिया कि भाई ठीक है आपका ये सफाई का काम है, ये आपका यहाँ का टेंडर हो गया, वो आपकी फाइल कर दी जाए, लेकिन महापौर साहब के द्वारा मेरे पास एक भी काम नहीं हुए हैं, और जब भी हम उनके पास गए उन्होंने किसी प्रकार का हमारे काम में सहयोग नहीं करा है, पार्शलिटी हमेशा करी है। आज की तारीख में जितने भी 11 लाख 5 लाख 15 लाख जो भी काम हुए सिर्फ निगम के द्वारा जो पार्षदों को दिया गया है
वही काम हुआ है मेरे पर्सनल की। अब मैं बीजेपी का वार्ड है तो मुझे कभी एक रुपया भी दे दिया हो, उस तरह का कोई काम नहीं करा, न ही मेरे वार्ड पे इस तरह का ध्यान दिया गया है।